तो दोस्तों, आज के टाइम पे आपको डेफिनेटली इस चीज का रियलाइजेशन जरूर है कि आपकी रिस्पेक्ट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डजेंट मैटर कि आपकी एज क्या है, आप बड़े हो या छोटे हो, लेकिन एवरीबडी वॉन्ट्स रिस्पेक्ट। एंड आज की वीडियो के अंदर मैं ऐसी पांच चीज आपको बताने वाला हूं, अगर वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपने अडॉप्ट कर ली अपनी लाइफ में, बिलीव मी आप वो चीज नोटिस करोगे कि आपके आसपास वाले लोग उस चीज के लिए आपकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर आपके दोस्तों वगैरह में आपने कभी ये चीज नोटिस करी हो कि किसी बंदे का कोई स्पेशल टैलेंट हो किसी भी चीज से रिलेटेड, एंड कभी भी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो डेफिनेटली इसका कहा जाता है कि ये चीज ये बंदा संभाल लेगा, इससे करवा लेते हैं, तो इस चीज के लिए उस बंदे को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। तो एक स्पेशल थिंग, एक यूनिक थिंग जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो ऐसी साइकोलॉजिकल, ऐसी माइंड ट्रिक्स जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनैलिटी में इंप्रूव करने के लिए, ताकि आसपास के लोग आपको उस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ टाइम, बट बिफोर दैट मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक देखो एंड आप उस चीज को अडॉप्ट करोगे। ये मैं गारंटी लेता हूं कि आप डेफिनेटली एक चेंज जरूर देखोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज के बारे में बात करेंगे कि यार बहुत लोगों की ना ये चीज की कमी होती है कि वो और लोगों को ना नहीं कह सकते, वो ना क्यों नहीं कह पाते, बिकॉज दे हैव दिस हैबिट कि उस बंदे को वो चीज प्लीज करे, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा दिखाए, यू हैव टू बी नाइस टू एवरीवन, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती है एंड ना कहना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट मैं आपको इस पॉइंट बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आपको हर किसी की हर चीज के लिए मदद करनी है, बिकॉज इस चीज का लोग गलत फायदा उठाते हैं। अगर आप किसी की जेन्युइन हेल्प कर रहे हो, दैट इज अमेजिंग, यू शुड ऑलवेज डू दैट। अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली करो, लेकिन आपको इस चीज का डिफरेंस बताना चाहिए कि यार सामने वाला बंदा आपका जेन्युइनली हेल्प ले रहा है या आपका फायदा उठा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी को मना करते हो, कोई आपसे फेवर मांगता है फालतू का, और आप अपना टाइम बर्बाद करके, अपनी सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको प्लीज करने के लिए उसका काम करते हो, दैट इज द थिंग, वो बंदा आपकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना कहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप जेन्युइनली कर सकते हो तो करो, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, उस चीज को बोलो कि भाई मैं अभी इस चीज के अंदर बिजी हूं, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, बट बाद में जरूर हेल्प कर दूंगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ सेइंग नो। अगर आप हमेशा यस करते जाओगे ना, तो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे एंड आपको उस चीज के लिए कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो यही सोचेंगे कि आपकी कोई लाइफ नहीं है और आप सारा टाइम उनको प्लीज करने में लगे रहते हो। तो सेइंग नो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, बात करें अगर हम सेकंड पॉइंट की, विच इज द नो जस्टिफिकेशन रूल। अब गाइस क्या होता है, कभी कभी ना ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि आपके आसपास वाले लोग ना आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या कि बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, और वो भी एक ग्रुप के अंदर। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं कि हम ना चीजों को लेकर जस्टिफिकेशन देना स्टार्ट करते थे। ये जो चीज है मैं भी करा करता था एक टाइम पे, एंड उस चीज को मैंने समझा एंड काफी टाइम बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि आपको ना हर किसी का आंसर नहीं करना चाहिए, कभी कभी ना चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं अगर किसी ने कुछ चीज बोली आपको उसका करना ही करना है। अगर आपको पसंद नहीं आती ना बात, इग्नोर कर दो उस बात को, कोई और टॉपिक स्टार्ट कर दो। एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उससे क्या होगा, जो आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है उसको एक आंसर मिल जाएगा कि आपने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है, आपको एक चीज पसंद नहीं आई, आपने उसका आंसर नहीं किया। दूसरी चीज क्या होगी कि ग्रुप में एक मैसेज मिल जाएगा कि इस बंदे की बात को इसने इग्नोर कर दिया, इसने मैच्योरिटी दिखाई एंड उस चीज का रिप्लाई नहीं करा। तीसरी चीज, वो बंदा खुद इतना एम्बेरस फील करेगा कि उसने कुछ चीज बोली एंड आपने उस चीज का रिप्लाई नहीं करा एंड कोई और बात स्टार्ट हो गई। बैक ऑफ द माइंड बहुत ही एक चीज ये मैटर करती है, एंड आई वॉन्ट यू गाइज कि जो ऐसे फालतू की बातें आप लोगों से करते हैं ना, या आपसे कुछ भी आपको नीचे दिखाने कोशिश करते हैं, आपको जस्टिफिकेशन नहीं देनी, एंड वो जस्टिफिकेशन ना देना, उस चीज को इग्नोर कर देना एक बहुत बड़ा रिप्लाई होता है। तो आज के बाद कभी भी आपसे कोई भी कुछ बात कर रहा हो या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, ये चीज जरूर एक बार अप्लाई करना है, एंड बिलीव मी इस पॉइंट का बहुत फर्क पड़ता है आपकी लाइफ में। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 3 इज द कन्विंसिंग पावर। अब गाइस क्या होता है कि ना बहुत लोग होते हैं ना जो कुछ चीजों को ट्राई भी नहीं करना चाहते, ना एफर्ट डालना चाहते। अगर कोई भी चीज उनको करनी है और किसी को कन्विंस करना है किसी चीज के लिए कि आप ये नहीं ये करो, लोग पहले ही हार मान जाते हैं कि मैं इसको नहीं कर सकता, ये मेरी बात नहीं सुनता। बिलीव मी, यू हैव टू वर्क ऑन दिस। कन्विंसिंग पावर इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। एक ऐसी चीज है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, अगर आपने उसको लाइफ में अप्लाई कर दिया ना, बिलीव मी यू कैन बी सक्सेसफुल विद दैट थिंग, बिकॉज
उसकी वजह से आप लाइफ में बहुत नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आप काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। ये मेरी बात हमेशा याद रखना। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज, अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो, बट सब्सक्राइब मत करना। सब्सक्राइब तभी करना, पहले पूरी वीडियो देख लो, अगर आपको सच में बहुत ही हेल्पफुल लगे, आपको लगे कि हाँ ये कुछ वैल्यू क्रिएट कर रही है, तभी सब्सक्राइब करना। अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट से। कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 4, एंड गाइस दिस इज द वर्स्ट थिंग जो आपके साथ चीज हो सकती है, एंड बहुत लोगों के साथ ये चीज होती भी है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि कुछ चीज करने से पहले ही ना आपका दिमाग आपको मार देता है। एग्जांपल के तौर पे आप कहीं पर जा रहे हो, गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो, डेस्टिनेशन आपकी है वो है एक दरवाजा, आपको पता लगा कि भाई एक ना मैजिकल डोर, उस डोर की जब आप घंटी दबाते हो तो दो चीज हो सकती है। पहली चीज होगी जैसे ही आप दरवाजा खोलोगे तो वहां पे आपको दिखेगी बिल्कुल व्हाइट लाइट, एंड उस व्हाइट लाइट में जब आप एंटर करते हो ना, आपकी जितनी लाइफ में ख्वाहिशें होती है ना वो सारी वहां जाके पूरी हो जाती है। दूसरी चीज जो एग्जिस्ट करती है कि उसी व्हाइट लाइट के पार ना एक बहुत ही बड़ी खाई है, एंड वहां पे आप अगर घुस गए तो आप गिर के मर जाओगे। अब आप रास्ते में जा रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि मैं वहां जाऊंगा, फिर घंटी बजाऊंगा, दरवाजा खटखटाऊंगा, उसको खोलूंगा, फिर सफेद लाइट निकलेगी, फिर मैं एंटर करूंगा। अगर मेरे साथ खाई वाला मेरे को रास्ता दिख गया तो मैं मर जाऊंगा। अगर लाल बत्ती दिख रही है तो इसका मतलब ये एक मेरे लिए रेड अलर्ट है कि मेरे को नहीं जाना चाहिए। ऐसी ऐसी चीजें आपको होंगी, एंड आप क्या करते हो, आपको एक नेक्स्ट कट दिखता है, वहां से आप यू टर्न लेते हो और घर चले जाते हो। इस चीज का मतलब क्या हुआ, आपका जो दिमाग है ना वो ऐसे ऐसे थॉट्स क्रिएट कर देता है। आप अभी तक दरवाजे तक पहुंचे भी नहीं हो, आपने घंटी दबाई भी नहीं है, आपने दरवाजा खोल के भी नहीं देखा, तो भी अपॉर्चुनिटीज आपको आपको उसको ग्रैब कर ले तो आपकी लाइफ पूरी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आपका थॉट जो है वो नेगेटिव तरह का, ऐसी अजम्पशंस आप क्रिएट करते हो, एंड आप डेफिनेटली इस कंक्लूजन पे सोच लेते हो कि जब मैं उस दरवाजे को खोलूंगा ना तो मैं मर जाऊंगा। इसी माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूं कि आपका दिमाग आपको ऐसी तरीकों से मार देता है। आप कुछ करते भी नहीं है उससे पहले ही आपका माइंड एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट कर देता है कि आपको इसको ये नहीं करना चाहिए, आपको यहां नहीं जाना चाहिए। ये चीजें लाइफ में बहुत ही नेगेटिव चीज क्रिएट करती है, एंड आई वांट यू गाइस टू बी पॉजिटिव इन लाइफ। आपको जाके अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर, जब तक आप दरवाजा खटखटाओगे नहीं, घंटी नहीं बजाओगे, वो दरवाजा कभी भी नहीं खोलेगा, एंड यू विल नेवर नो कि क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो कभी भी आपको नेगेटिव थॉट आए लाइफ में कि मेरे को ये चीज नहीं करनी चाहिए, आप अपने आप को बोलो कि भाई उठ और ये चीज कर, बी अ डूअर। जो लोग सिर्फ सोचते हैं ना वो लाइफ में सिर्फ सोचते रह जाते हैं, ये मेरी बात याद रखना। और जो डूअर होते हैं ना वो उसी पॉइंट ऑफ टाइम में ना कल का वेट नहीं करते, वो डेफिनेटली उस चीज को अकम्प्लिश करते हैं, एंड वो चीज सही होगी तो लाइफ ट्रैक पे आ जाती है। बात करें सबसे लास्ट और बढ़िया पॉइंट की, अगर आपने चीज को अडॉप्ट कर लिया, आपके आसपास वाले लोग ना आपको बहुत पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। ये एक बहुत बढ़िया अच्छी चीज है जो आपकी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए। तो आपको पता है नाम लेने से क्या होता है, सपोज आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो एंड उस बंदे का नाम आप लो उसके सामने, तो वो एक तो अटेंटिव होता है कि आप उसके बारे में कुछ कह रहे हो, एंड उसको ना अच्छा लगता है कि आप उसका नाम लेके बात कर रहे हो, एंड ही फील वेरी पर्सनल टू यू एंड ही स्टार्ट्स टू लाइक यू। और ये नाम लेना कॉन्वर्सेशन के बीच में अगर आप इस चीज को अडॉप्ट करते हो, मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को बुलाओ कि साहिल फिर अपनी बात कह रहे हो, आप नॉर्मली ऑलरेडी एक कॉन्वर्सेशन के अंदर हो, बातों बातों के बीच में ही आप उसका नाम ले सकते हो। जैसे सपोज दो बंदों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है एंड वो बंदा बोलता है कि साहिल तू जो कह रहा है ना भाई बात बिल्कुल सही है, एंड इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, तो उसने जैसे बोला ना कि साहिल मैं और ज्यादा अटेंटिव हो गया एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा अपना नाम सुनने के अंदर, एंड मैंने उसकी बात जो है वो ध्यान से सुनी, एंड मेरे को ये चीज उसके बारे में अच्छी लगी कि उसने मेरा नाम लिया साहिल। ये बहुत ही एक बैक ऑफ द माइंड वाली चीज है जो आपको शायद उस टाइम रियलाइज ना हो, पर बाद में आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा मेरे को बहुत पसंद है। और मैं चाहता हूं कि इस चीज को अपनी लाइफ में आप डेफिनेटली अडॉप्ट करो, एंड ग्रुप्स वगैरह में आप ये चीज कर सकते हो, लड़के से तो कर सकते हो, लड़की से भी अगर आप करो ना तो उसको भी ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लगती है, एंड शायद वो आपको पसंद करे। तो ऐसी ऐसी चीज हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइम कभी आप कॉन्वर्सेशन करो या किसी लड़की से भी बात करो, ये चीज जरूर ट्राई कर लो। तो ये थी हमारी कुछ 5 चीजें जो आपकी लाइफ में अगर आप इस चीज को अडॉप्ट करते हो, इस चीज को प्रैक्टिकली करते हो ना, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लोग आपको इस चीज के लिए रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, एंड यू विल बी अ यूनिक पर्सनैलिटी बिकॉज यू आर बींग योर सेल्फ। अगर गाइज आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो, ये 5 पॉइंट्स आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो और सब्सक्राइब भी तभी करना अगर आपको लगा
लगा हो कि वैल्यू जरूर प्रोवाइड करी है। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे एंड आई होप वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो। ऑल्सो गाइज इंस्टाग्राम पे मैं काफी ज्यादा एक्टिव हूँ, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज द डायनामाइट मेल और हमारी एक ट्रिप्स वगैरह भी आ रही है तो स्टोरीज पे हम बिल्कुल अपडेटेड रहेंगे, तो आप मेरे को जरूर हमें फॉलो कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना ध्यान रखो, अपने बड़ों का भी ध्यान रखो एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।